आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को डेली देखते होंगे, लेकिन उनके घर कैसे हैं ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और जब हम वोट करने जाते हैं तो वो वोटिंग की इंक जो लगाई जाती है वो इतने दिनों तक क्यों रहती है? इसका जवाब आपको आज मिलने वाला है। ये कौन सा ऐप है जो आप रोज यूज करते हो और इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आप इसे ऐसे ही यूज करते जा रहे हो? कैसे इस प्लेयर को खेलते हुए देखने के लिए एक वॉर कोड रुकवाना पड़ा था? वो कौन सा प्लेयर था? जब आप अपने हाथ पर बैंडेड लगाते हो तो उसे से देखने पर ऐसी क्या चीज दिखती है जिसे देखकर आप हैरान होने वाले हो? तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फैक्ट नंबर 42, आपका अलार्म आपको जगाने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए सुलाने की वजह बन सकता है। अलार्म असल में आपको जगाते नहीं बल्कि आपको सरप्राइज करते हैं अचानक से, जिससे आपके दिमाग में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और आपकी नींद खराब हो जाती है। इसलिए अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि आप जल्दी सोए और जल्दी उठ जाएं, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फैक्ट 41, आजकल के जमाने में आप सोचते होंगे कि फोन्स हर किसी के पास हैं, तो सबने अपनी लाइफ में एक कॉल तो जरूर की होगी। लेकिन एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक सामने आई कि दुनिया में लगभग 33% लोगों ने आज तक कोई कॉल नहीं की है अपनी लाइफ में। वो सिर्फ तभी बात करते हैं जब उन्हें कोई और कॉल लगा कर देता है, या फिर वो करते ही नहीं क्योंकि उन्हें फोन ऑपरेट करना ही नहीं आता। ये ज्यादातर ओल्डर लोग और अफ्रीकन नेशन के लोग हैं। फैक्ट नंबर 40, आज मुझे समझ आया कि पुराने टाइम में राजा लोग सौसौर रानियां कैसे रख लेते थे। असल में ये उनका कोई कमाल नहीं था बल्कि रिसर्च में एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये पाया कि इंसान के लिए मैजिक नंबर 150 है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ में 150 स्टेबल रिलेशनशिप्स रख सकता है अगर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करें तो। फैक्ट नंबर 39, क्या कभी आपने सोचा है जो लोग जन्म से ही ब्लाइंड होते हैं उन्हें कैसे सपने आते हैं? वेल, उन्हें साइटेड लोगों की तरह सपने नहीं आते बल्कि उनके सपने बहुत अलग होते हैं, क्योंकि उनके सपनों में उन्हें रियल लाइफ की तरह सेंसेशन होती है, साउंड की, स्मेल की और टेस्ट की भी। ज्यादातर उन्हें इसी तरह के सेंसेशन के सपने आते हैं और मोस्टली वो मोमेंट ट्रैवल और बुरे सपने भी उन्हीं को आते हैं। फैक्ट नंबर 38, आखिर कैसे एक फुटबॉल मैच की वजह से 2 दिन तक जंग रोक दी गई थी? 1967 में नाइजीरियन और बैफ्रिया के लोगों के बीच वॉर हो रही थी। ये एक नाइजीरिया में ही सिविल वॉर थी, बट उसी टाइम पे ब्राजील की एक एग्जीबिशन फुटबॉल मैच चल रही थी जिसमें पेले नाम के एक काफी फेमस फुटबॉलर थे, और बस इसे देखने के लिए उस जंग को 2 दिन के लिए रोक दिया गया था क्योंकि दोनों ही साइड्स को पेले का मैच देखना था। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि लड़ाई रोकी जा सकती है अगर दोनों पार्टी चाहें तो। फैक्ट नंबर 37, गूगल मैप्स के इस छोटे से फीचर के बारे में आप नहीं जानते होंगे जो आपको ट्रैफिक से बचा सकता है। गूगल मैप में एक अवॉइड मोटरवे नाम का फीचर है जिसे इनेबल करके गूगल आपको ऐसे रोड्स दिखाएगा जिन पर गाड़ियां काफी कम जाती हैं। वैसे क्या आपको आज से पहले इस फीचर का पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अभी लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दो। फैक्ट नंबर 36, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सारे मेल लायंस के पास ये खूब बालों वाली बड़ी सी बियर्ड जरूर होती है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लायंस ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये नहीं होती, और कुछ लायनेस भी ऐसी होती है जिनके पास फेशियल हेयर होता है जैसे कि इंसानों के केस में होता है। सावो नाम के ऐसे लायंस हैं जिनके पास ये बियर्ड होती ही नहीं। वैसे लायन की बियर्ड को बियर्ड नहीं बल्कि मेंस कहते हैं। नंबर 35, आयरन मैन एके रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आप जानते होंगे, पर क्या आप जानते हो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिंदगी भर के लिए फ्री में खाना खा सकते हैं बिना एक भी पैसा दिए? बर्गर किंग में असल में बहुत ही एक्सक्लूसिव क्राउन कार्ड को रिलीज कर रखा है जो बहुत ही खास लोगों को दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें वॉलेट से पैसे नहीं सिर्फ वो कार्ड निकालने की जरूरत है, जिसके बाद उनका लाइफ टाइम सारा खाना फ्री होगा। और ऐसे ही क्राउन कार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास है। वैसे उनके पास तो इतना पैसा है, उन्हें इसकी क्या ही जरूरत होगी? ऐसा कार्ड तो मुझे मिलना चाहिए, है ना? फैक्ट नंबर 34, मीम हम सब इतने सालों से देखते आ रहे हैं लेकिन आपको शायद आज तक पता नहीं होगा कि मीम का असल में फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये बात तो मुझे आज ही पता चली है कि जो मीम ये जो शब्द है ये असल में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, असल में इसका फुल फॉर्म है मीमे, जिसका मतलब होता है इमिटेट, मतलब नकल करना। फैक्ट नंबर 33, ये शॉकिंग बात सुनकर अगर आप भी किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब करते हो तो शायद आप छोड़ दोगे, क्योंकि 1998 में यूएसए में फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की मौत ज्यादा होती थी पुलिस ऑफिसर्स के मुकाबले। इसका रीजन यही है कि पहले गन शूटआउट्स यूएसए में बहुत देखे जाते थे पर आज भी ये कम नहीं है। फैक्ट नंबर 32, आपकी उम्र फिजिकली 11 महीने ही है लेकिन
इन फोकस है। असल में हमारी फिजिकल बॉडी का हर सेल 11 महीने में रिप्लेस होता रहता है, जिसकी वजह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपकी उम्र 11 महीने ही है, लेकिन आपकी जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो हर 7 साल में रिप्लेस होते हैं। फैक्ट नंबर 31, ये अमेजिंग वीडियो आपको हैरान कर देगी, जिसमें ये बंदा एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे ये इन टाइम स्क्वेयर्स की स्क्रीन के सिग्नल को हैक करके अपने आईफोन के सिग्नल से रिप्लेस कर सकता है। और वीडियो में ये इस चीज को बहुत आराम से कर लेता है, क्योंकि ये फेक वीडियो है जिसे एक मूवी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, जिस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे। लेकिन एक चीज को देखकर एक बंदे ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया था और अपने टॉक की वीडियो को स्क्रीन पर प्ले कर दिया था। फैक्ट नंबर 30, अमेरिकन पिग्स जैसे जानवर को भी नहीं छोड़ते अपने वेपन्स बनाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिकन को बहुत सारे ग्रीस की जरूरत पड़ती थी, इसलिए US गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि जो भी एक्स्ट्रा बेकन बच जाता है उसे US मिलिट्री को दे दे, जिससे वो ग्लिसरीन और ग्रीस जैसी चीजें बना सके जिनका US बॉम्ब बनाने में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 29, क्या आप जानते हो आपसे ये रोबोट वाला कैप्चा बार बार क्यों पूछा जाता है? और ऐसा हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है और वेबसाइट अच्छे से चलती रहे उसके लिए भी, क्योंकि रिसर्चर्स ने देखा कि हर साल इंटरनेट पे ह्यूमन ट्रैफिक से ज्यादा बॉट्स बढ़ रहे हैं और अब लगभग सिर्फ 60% वेब ट्रैफिक ह्यूमन का है, बाकी 40% जो है वो बॉट्स काम करने में लगे हैं। लेकिन भाई आप जो इस वीडियो को देख रहे हो वो तो रियल हो ना, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर ठोक दो। फैक्ट नंबर 28, ये चीज जो आप देख रहे हो देखने में तो ये किसी पेंटिंग की तरह लग रही है जिसे किसी बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया है, लेकिन ये पेंटिंग आप सबके बाथरूम में मिल जाएगी। क्या आप बता सकते हो ये क्या चीज है? अगर आप भी नहीं समझे तो मैं बता दूं, ये आपके सर में लगने वाला शैम्पू है। एनीवेज, ये शैम्पू दिखने में बहुत अमेजिंग लगता है, जैसे कि ये कोई अमेजिंग आर्ट हो। फैक्ट नंबर 27, आखिर कैसे एक जोक ने इस लड़की को एक नई जिंदगी दी थी? इस औरत का नाम है जेनिफर फ्लॉवेलन, जो लगभग 5 साल से कोमा में थी एक बहुत ही डेंजरस कार एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन एक दिन ऐसे ही इनकी मॉम इन्हें जोक सुना रही थी, जिसके बाद ये उस पर हंस पड़ी और उसके बाद इनकी चमत्कारी रिकवरी स्टार्ट हो गई। इनके पेरेंट्स अब इनके लिए डोनेशन का इंतजाम भी कर रहे हैं, जिससे वो इनके लिए रिहैबिलिटेशन का इंतजाम कर पाए और घर में अच्छे से रख पाए। ये बात प्रूफ है कि फैमिली का सपोर्ट इंसान के लिए कितना जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 26, क्या आप जानते हो DC, हाँ वही जो बैटमैन सुपरमैन के लिए फेमस है, उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए से हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। बात है 1938 की, जब DC कंपनी में ही काम करने वाले दो लोग सुपरमैन को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद ये दोनों 1 मार्च 1938 को सुपरमैन के राइट्स को DC को ही बेच देते हैं, जिससे DC अंधा पैसा छापती है। पर आज भी अगर हम DC को जानते हैं तो शायद वो सुपरमैन की वजह से ही है, क्योंकि इसके जैसा दूसरा कोई कैरेक्टर हमारी सोच में भी नहीं आता। फैक्ट नंबर 25, क्या हम जानते हो आपका बैंड एड लाइट छोड़ता है? असल में ऐसा तब होता है जब दो तरह के चार्जेस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, इसलिए जब हम ग्लू को हटाते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन को एक्साइट करते हैं, इसलिए कभी कभी विजिबल लाइट जैसा भी दिखता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे अंधेरे में ही देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 24, IPL में आपने कैमरा मैन का तो कमाल देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो ये कमाल वो कैसे कर पाते हैं? इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, जिसमें ये शख्स दिखाता है कि ये कैमरा कितना ज्यादा जूम कर सकते हैं, वो भी बिना क्वालिटी लॉस के, जो सच में बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 23, भाई लगता है मुझे भी अब अरेस्ट होना ही पड़ेगा। पहले तो दुबई अपने पुलिस कार्स में सुपर कार्स को रखता है, लेकिन अब मियामी बीच ने भी ऐसी कार ऐड की है जिसे देखकर मैं भी शॉक में हूँ। उन्होंने ऐड की है रोल्स-रॉयस घोस्ट, जिसमें कस्टमाइज कलर और सायरन भी लगाया गया है, जो सच में किसी भूत की तरह क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ने वाली। अगर ऐसा इंडिया में होने लगा तो कैसा लगेगा? अगर कोई आदमी चोरी करता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस रोल्स-रॉयस में आ जाए, शायद वो चोर भी खुशी खुशी रोल्स-रॉयस में बैठ जाएगा। फैक्ट नंबर 22, आप अमेरिकन कल्चर में हॉट डॉग नाम बड़ा सुनते होंगे और वहाँ पे बहुत लोग ये खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, पर छोटे बच्चों को हॉट डॉग्स खिलाकर वो अपने ही बच्चों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में पाया गया है कि हॉट डॉग्स टॉप पर हैं, जिससे 3 साल के बच्चे सबसे ज्यादा चोक होते हैं, उसके बाद हार्ड कैंडी ग्रेप्स और नट्स आते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को गलती से भी ये चीज ना खिलाएं या फिर इन्हें क्रश करके खिलाएं। फैक्ट नंबर 20, जिसे हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, कुछ टाइम पहले वो ट्विटर हुआ करता था, जिसका ये सिंपल सा बर्ड वाला लोगो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने मुश्किल तरीके से ये बनाया गया था। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 13 सर्कल्स बनाने हैं जिससे ट्विटर की बर्ड बन जाए। ट्राई करके देखो वीडियो पॉज करके। लेकिन इसके डिजाइनर ने इसके लोगो को कुछ ऐसा ही बनाया था। फैक्ट नंबर 19, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान को इन कार क्रैशेस से बचना है तो कैसी बॉडी चाहिए होगी? तो मिली है ग्राम से, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनाया गया है किसी भी कार क्रैश को सर्वाइव करने के लिए। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कोई गर्दन नहीं है, जिससे नेक टूटने का खतरा ना रहे, और ऐसे नीज हैं जो हर डायरेक्शन में बेंड हो सकती हैं, और इसके
सर पर बहुत एक्स्ट्रा फैट है जिससे ये अपने सर आंख नाक को बचा सके। साथ ही स्टमक रीजन पर कोई भारी चोट ना आए इसलिए इसमें एक्स्ट्रा रिब्स हैं। अगर आपकी बॉडी ऐसे रहेगी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में कोई बहुत ही ज्यादा फिजिकल डैमेज पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 18, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी ने कुछ सामान मंगाया हो और आप उसे लाना ही भूल गए? भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और ये चीज सालों पहले भी होती थी जिसकी वजह से ये चीज तब भी एग्जिस्ट करती थी जिसमें शॉपिंग लिस्ट बनी हुई है। आप इसमें देख सकते हो कि शॉपिंग लिस्ट इसमें पहले ऐसे लिखे जाते थे और ये मेटल का है। फैक्ट नंबर 17, साइंटिस्ट का ये शॉकिंग क्लेम आपको भी हैरान कर देगा क्योंकि उनके हिसाब से पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में 36 ऐसी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है जो इंसानों से स्मार्ट है। फैक्ट नंबर 16, हिस्ट्री की ऐसी रेज पिक्चर्स आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये जो आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो ये आजाद इंडिया की पहली परेड है। जी हाँ, आप जो हर साल रिपब्लिक डे परेड देखते हो ये वही है, पर ये सबसे पहली परेड है जो इंडिया आजाद होने के बाद की गई थी। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हो आप सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके 8 करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हो? इसके लिए आपको सिर्फ क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के साइट पर जाना है जहां आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें सॉल्व करके आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। तो जल्दी जाओ और 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व कर दो और करने के बाद थोड़े पैसे इधर भी भेज देना। फैक्ट नंबर 13, एक स्टडी ने ऐसा दिखाया है कि जो लोग डॉग्स के साथ पहल जाते हैं उनके चांसेस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं किसी लड़की का नंबर लेने के। फैक्ट छोटा है पर काम का। फैक्ट नंबर 13, ये जो स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हो इन्हें रेनबो क्लाउड्स कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर फिनोमेना है जिसे मोस्टली ब्रिटेन में एक स्पेसिफिक टाइम में देखा जा सकता है। ये लगभग 70,000 फीट से 1,00,000 तक की फीट की ऊंचाई पर होते हैं और सच में ये देखने में रेनबो से भी बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हो अंटार्कटिका हमारे पास आ रहा है? कुछ 250 मिलियन साल बाद अंटार्कटिका हमारे बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, लेकिन ये सब देखने के लिए हम शायद जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि रिसर्चर्स का कहना है कि लगभग 92% मैमल्स अर्थ से खत्म हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे वोल्केनोस फट जाएंगे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 11, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो आप इंटेलिजेंट हो। क्या आप जानते हो बनाना के गुच्छे वही जो कुछ ऐसा दिखता है इस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप ही थोड़ा गेस करो कि क्या हो सकता है। अगर नहीं जानते तो उसे हैंड कहते हैं, साथ ही एक सिंगल बनाना को फिंगर कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी जान दे देना। 1989 में रशिया में ई फ्रेंकाई नाम का एक साइकिक रहता था जो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को रोकने का दावा करता था और इस दावे को साबित करने के लिए उसने एक बार एक कार को और स्ट्रीट कार को रोक दिया था, जिसके बाद इस बार इसने ट्रेन को रोकने का दावा किया। फिर क्या था, एक दिन बहुत ही बहादुरी से यह शख्स ट्रेन के आगे खड़ा हो गया और पूरी जान से ट्रेन को रोकने लगा। इसकी हिम्मत देखकर ट्रेन भी रुकने लगी। ऐसा सोचना भी मत, वो इसके ऊपर से निकल गई और इन भाई साहब का वही पोस्टर बन गया। फैक्ट नंबर 9, डिमेंटिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें लोगों को मेमोरी लॉस होता है और ये जापान में बूढ़े लोगों को काफी होता है और इसी चीज को बहुत ही स्मार्टली जापान ने यूज किया है। शिरो ओगोनी नाम के एक शख्स ने इन्होंने ऐसे होटल्स बनाए जहां पर गलत ऑर्डर्स लेने का कॉन्सेप्ट था जिसमें जिन लोगों को डिमेंटिया था उन्हें वेटर की जॉब दे दी जाती थी और मेमोरी लॉस होने की वजह से वो कोई दूसरी डिश ले आते थे और लोग भी इस एक्साइटमेंट में वहां पर आते थे कि पता नहीं आज क्या खाने मिलेगा। फैक्ट नंबर 8, टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जिनके कुछ सवालों का जवाब हम कभी नहीं दे सकते, जिन्हें टाइम पैराडॉक्स कहा जाता है। जैसे न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले अगर आप टाइम में पीछे जाकर उसे ये सब पढ़ा दो तो फिर आखिर ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया, आपने या न्यूटन ने? और ऐसे ही टाइम में पीछे जाकर अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही मार दो तो आप पैदा ही नहीं होगे, और अगर आप फ्यूचर में पैदा ही नहीं हुए तो फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मारा किसने? टाइम सच में बहुत अजीब है, इसलिए इंसान इसे आज तक नहीं समझ पाया। फैक्ट नंबर 7, अल्ट्रा रेपिडेरियन ये ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता लेकिन ज्ञान ऐसा देंगे जैसे ये उस चीज का भगवान हो, और ऐसे लोगों को अल्ट्रा रेपिडेरियन कहा जाता है। जैसे कि आजकल विराट कोहली के साथ हो रहा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो होता रहता है चाहे उन लोगों ने कभी बैट तक भी ना पकड़ा हो। फैक्ट नंबर 6, ये न्यूज सुनकर जो अब तक नहीं समझा शायद वो भी समझ जाएगा कि आदमियों के लिए ये दुनिया कितनी टफ है, क्योंकि दिल्ली में एक औरत ने अपने 20 साल के मैरिज को मिट्टी में मिला दिया क्योंकि ये औरत सही कलर्स को चूज करके कलर किंग नाम के एक ऐप में 35,00,000 रुपए जीत गई थी और इसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और बोले कि अब मुझे इस आदमी की कोई जरूरत ही नहीं है। नंबर 5, क्या आप जानते हो जब जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन पहली बार स्पेस में गई थी तो उनके साथ एक 18 साल का लड़का भी गया था जिसका नाम ओलिवियर था, और उस फ्लाइट के दौरान उसने जेफ से कहा कि मैंने आज तक अमेज़न से कोई भी ऑर्डर नहीं किया। सोचो जेफ पर क्या बीती होगी, अगर मैं उसकी जगह होता तो स्पेस
वैसे ही उसको नीचे फेंक देता। फैक्ट नंबर 4, अर्जेंटीना के 128 साल के शख्स ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। इस शख्स का नाम है हर्मन गटनबर्ग, जो अपने आप को हिटलर बता रहा था। इसने लोगों को बताया कि ये फेक पासपोर्ट लेकर जर्मनी से भागकर अर्जेंटीना आ गया था। पिछले 70 सालों से ये यही छुप रहा था और ये दुनिया को सच्चाई अब इसलिए बता रहा है क्योंकि इसराइल ने अब भागे हुए नाजी क्रिमिनल को मारने का लॉ हटा दिया था। लेकिन ये सब झूठ है क्योंकि हिटलर ने खुद को सर में शूट करके आत्महत्या कर ली थी, जिसके कई दिन बाद रेड आर्मी को उसकी बॉडी मिली। वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं बचा था, लेकिन जितना था उससे उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। फैक्ट नंबर 3, आखिर कैसे जो एक इंसान जो 30 औरतों की जान ले चुका हो वो साथ ही लोगों को बचा भी रहा था। इसके मिस्ट्री जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी एक्सट्रीमली विकेट शॉकिंगली इविल एंड विले, जिसे एक अमेरिकन किलर टेड मंडी की लाइफ पर बनाया गया था, जिसने खुद कन्फेस किया था कि उसने अपनी लाइफ में 30 औरतों को मौत के घाट उतारा, जिसके लिए उसे 1989 में एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो जब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, वो वहाँ पर सियाटल की एक आत्महत्या हॉटलाइन में काम करता था। जहाँ सच में, सही सुना आपने, वो उन लोगों की लाइफ सेव करता था जिन्हें आत्महत्या के थॉट्स आते हैं। शायद ये उसके साइकोपैथ वाले दिमाग की बात थी जो ऐसा करता था। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इलेक्शन में ऐसी कौन सी इंक यूज की जाती है जो इतने दिनों तक हाथ से छूटती ही नहीं, और इसे क्यों लगाया जाता है? इस इंक को पहली बार 1971 में यूज किया गया था नेल्स पर, और इसे मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी बनाती है, जिसका फॉर्मूला तो सीक्रेट है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये 40 सेकंड में ही सूख जाती है। और ये इंक सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के अलावा 90 देशों में इस्तेमाल की जाती है। इस इंक को जब भी आप वोट डालने जाते हो तब ऑफिसर आपको ये इंक लगा देते हैं। ये इंक वोटर के लिए एक साइन की तरह काम करती है कि आप वोट दे चुके हो, और इसे ऑफिसर्स को भी पता चल जाएगा कि आप वोट दे चुके हो और दोबारा वोट ना डाल पाओ। नंबर 1, आप कुछ यूट्यूबर्स को डेली देखते होंगे पर आपने उनके घर कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके घर सच बता रहा हूँ बहुत क्रेजी है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के। ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान दोनों भाई हैं, तो ऑब्वियसली वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। लेकिन भाई क्या घर है जिसकी प्राइस वो 25 करोड़ रुपए बताते हैं, जिसकी अमेजिंग चीजें जानकर आप भी शौक हो जाओगे। सबसे पहले एंट्री होते ही दिखता है इसका लिविंग रूम, जिसका भाई क्या ही कहना। इसकी टेबल और लाइटिंग तो एकदम चुम्बेश्वरी है, जिसके बाद इनका किचन भी बहुत बड़ा है और उनमें चैंडलियर है। और इनके घर की सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि इसमें बहुत ही प्यारे झूमर भी है भाई, और बाकी चीजें तो है ही, सब अपने रूम्स में और स्टूडियो में। साथ में इनके घर के अंदर ही स्विमिंग पूल भी है, जिसमें आप तो नहीं लेकिन वो मजे ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स की। वैसे तो उन्होंने अपने घर का कोई ऑफिशियल टूर नहीं दिया, लेकिन इनकी एक वीडियो आई थी माय बिगेस्ट गेमिंग सेटअप की, जिसमें वो अपना स्टूडियो घुमाते हैं, जिसमें आप उनके स्टूडियो को देख सकते हो। हालांकि ये उतना LED वे में नहीं है, लेकिन अभी तक जो है यही है। लेकिन उन्होंने अपने स्टूडियो में टूर जरूर किया है, जिसमें आप उनका सेटअप देख सकते हो, जो सच में बहुत ऑसम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े रोस्टर के हाउस के बारे में, जो है कैरी मिनाते, जिनका सिर्फ स्टूडियो ही 2 करोड़ का है, जिसमें उनके भाई विली फ्रेंसी का भी स्टूडियो है, जो काफी बड़ा है। नेक्स्ट इस लिस्ट में सौरभ जोशी और एलविश यादव भी हैं, लेकिन उनका घर अभी बन ही रहा है। सौरभ जोशी का घर 4 मंजिल का है, जिसका डिजाइन देखने में बहुत अमेजिंग लगता है। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि बाइक या स्कूटी के एज के ब्रेक में ये गोल चीज क्यों होती है, और आजकल के फोन में ये नॉचेस गायब क्यों हो रहे हैं, जबकि ये पहले बहुत सारे फोन्स में आते थे? ये कौन सा प्लेन है जो मैच के एक दिन पहले ओपोनेंट टीम के कपड़े डालकर सोता है ताकि उनके खिलाफ ये अगली मैच जीत पाए? वो कौन सा प्लेयर है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।